सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। Rishto.com ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी, मोर देन 26,000 ट्रस्टेड फैमिली, काउंसलिंग विद अटमोस्ट ऑनेस्टी, फ्री रजिस्ट्रेशन, नॉमिनल मेंबरशिप फीस, नो कमीशन आफ्टर मैरिज, फ्री रिश्तो मीट विद रिफ्रेशमेंट्स। Rishto.com ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पुलिस ने मंगलवार को लगभग 32 लाख रुपए के चोरी व लूट का सामान उनके संबंधित मालिकों को लौटा दिया। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के चलते थाने पुलिस आयुक्तालय की तरफ से कैंप 3 स्थित टाउन हॉल में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को लेकर मुद्देमाल हस्तांतरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां इस कार्यक्रम में पुलिस की तरफ से परिमंडल 4 के अंतर्गत कुल 62 लूट व चोरी के मामलों में जब्त किया हुआ तकरीबन 32 लाख रुपए का सामान उनके मालिकों को लौटाया, जिनमें एक कार, 6 रिक्शाएं, 21 मोटरसाइकिल, 47 मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रोजेक्टर और गहने शामिल हैं। जहां खोए हुए, चोरी हो जाने या लूटे हुए सामान को वापस पाकर लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए पुलिस का धन्यवाद किया। संजय देवकर पुंडेकर, तुलसीदास कदम, मनोज लालवानी, अश्विन कुमार कोवे, शंकर मारुति गवानी, आइए जानते हैं परिमंडल 4 के पुलिस उपायुक्त प्रशांत मोहिते जी क्या जानकारी दे रहे हैं। ये अभी फिलहाल स्वातंत्र का अमृत महोत्सव पूरे भारत में जोर शोर से मनाया जा रहा है। इसी मौके पे हमने जोन 4 में जो अभी तक कुल 62 जो इंसिडेंट्स थे, जिसमें थेफ्ट, रॉबरी, मिसिंग प्रॉपर्टीज़ और हाउस ब्रेकिंग, इनमें जो मुद्देमाल हमने रिकवर किया था वो उनके कंप्लेनेंट को रिटर्न करने के लिए प्रोग्राम हमने आज आयोजित किया था। इस प्रोग्राम में कुल हमने 32 लाख रुपए का मुद्देमाल उनके कंप्लेनेंट को वापस किया है, जिसमें एक कार, 6 रिक्शा, 21 मोटरसाइकिल, 47 मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, प्रोजेक्टर और गहनों का समावेश है। सर, कई बार ऐसे होता है कि किसी का मोबाइल चोरी होता है तो बोलते हैं कि छोड़ो, क्या कंप्लेंट। हाँ, कुछ कंप्लेनेंट ने जिनको उनका मुद्देमाल या मोबाइल फ़ोन वापस मिला, उन्होंने यहाँ पे बहुत समाधान व्यक्त किया है और पुलिस तो अपना काम करती है, तो लोगों को जब उनकी प्रॉपर्टी खो जाए या चोरी हो जाए कंप्लेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन आना चाहिए। सर, गाड़ीला चावी लावून काही घरात असा प्रकार होतोय, त्याबद्दल तुम्ही काय सांगता? काही प्रकरणांमध्ये आम्हाला असं लक्षात आलं की तक्रारदारांनी त्यांची गाडीला चावी विसरून गेले होते, मार्केटमध्ये ते खरेदी करायला गेले आणि त्या दरम्यान त्यांची गाडी चोरीला गेली। तर शक्यतो असे प्रकार सगळ्यांनी टाळावे, नागरिकांनी स्वतःच्या गाडीची योग्य ती काळजी घ्यावी। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाए और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।